साबरमती रिपोर्ट को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। यूपी के सीएम ने फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का ऐलान किया। सीएम योगी ने आज लखनऊ में फिल्म देखी और फिल्म को देखने के बाद उन्होंने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म साल 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड से पहले साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाए जाने की घटना पर आधारित है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे स्क्रीनिंग पर द साबरमती एक्सप्रेस को देखने के लिए, उन्होंने मूवी देखी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया है। तमाम मंत्रियों के साथ मूवी देखते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, लखनऊ में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद रहे और मूवी हॉल पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने द साबरमती रिपोर्ट देखी है। तो लखनऊ में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, इसमें सीएम योगी के अलावा यूपी सरकार में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे और फिल्म की स्क्रीनिंग में फिल्म के मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी और एक्ट्रेस राशि खन्ना भी मौजूद थी। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म पिछले हफ्ते 15 नवंबर को रिलीज हुई थी और अब इस फिल्म की बेहद चर्चा हो रही है। तो फिल्म के स्टारकास्ट भी मुलाकात करती सीएम योगी से नजर आई है, देख सकते हैं आप, कलाकारों को बधाई दी है सीएम ने और फिल्म भी देखी है, साथ ही मूवी को टैक्स फ्री भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। फिल्म के माध्यम से ही सही, लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है और मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट को देखना चाहिए, उस सत्य के नजदीक जानने का प्रयास करना चाहिए, उन चेहरों को जो निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उन्हें सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक्सपोज भी किए जाने की आवश्यकता है।